आपके मन में हमें देख आदेश कर आदेश आए, लाइक हमें तो आपको देख कर परमात्मा की ही याद आई है, किस रूप में खेल रहा है, जिस रूप में खेल रहा है। हमें कुछ एडवाइस दे के कुछ कहना चाहेंगे तो क्या क्या आएगा? अभी तो ऐसा कुछ आ नहीं रहा। अच्छा, लेकिन हम तो एक ही सलाह देते हैं कि धर्म को मत छोड़ना कर्म के साथ। कर्म तो करो, लेकिन धर्म को छोड़कर कर्म करोगे तो कर्म का मजा नहीं आता, और धर्म के साथ कर्म करोगे तो कर्म में इतनी उन्नति होती है और इतना आनंद आता है, कुछ पूछो मत। लोग भूल गए, धर्म जो है जड़ है, कर्म है वृक्ष, ऐसा समझो। और जड़ को छोड़कर अगर वृक्ष ही वृक्ष रहोगे तो वो उसका डर ही बना रहेगा, कब टूट जाए, कब सूख जाए, क्योंकि उसकी जड़ें भीतर तक नहीं गई। कर्म की जड़ें धर्म में अगर घुसती हैं तो कर्म फलता फैलता है और मस्ती मस्ती है, उतना ध्यान रखना। तो कहाँ से पकड़ते हो धर्म के लिए, वो नहीं मैं कहता हूँ, तुम यहाँ से भी पकड़ो, लेकिन धर्म को पकड़ के कर्म को जियो तो बहुत सुंदर हो जाएगा सब कुछ, जिंदगी कहीं की कहीं हो जाती, क्योंकि जड़ें इतनी मजबूत हो जाती है। और फिर पेड़ लहराता है मस्ती से, मुझे डर नहीं होता तो घड़ जाऊंगा। मेरे मन में एक सवाल आ गया, क्षमा कीजिए। बोलो। तो धर्म को जो धर्म है, धर्म को व्याख्या कैसे करें? धर्म की व्याख्या, धर्म की व्याख्या, व्याख्या। सो देखो, धर्म की व्याख्या क्या है कि आपसे ऊपर कोई सत्ता तो है जो इस जगत को चला रही है, ये तो पक्की बात है, इतना तो सब जानते हैं। तो उस सत्ता के लिए नमस्कार करना है, पहले मूल में उस सत्ता को रखना याद, किसी भी भांति करो तुम उस सत्ता, ध्यान से करो, पूजा से करो, प्रार्थना से करो, जैसे भी करो, लेकिन सतत वो सत्ता याद रहे कि हमसे ऊपर कोई है जो जो बड़ा मूल्यवान है और हम उसके बगैर नहीं हो सकते। अगर हम हैं तो उसकी वजह से, अगर तुमने ये माना कि तुम तुम्हारी वजह से हो तो फिर ये कर्म अकेला हो। अगर ये मानो कि तुम हो किसी और की वजह से, वो पहले है और उसकी कृपा से तुम। ओके, सवाल लंबे हो जाएगा। ओके, ठीक है। एक सवाल था, आखिरी सवाल। तो आप तो हमसे बहुत बड़े हैं, मेडिटेशन में अलग ही दुनिया पे आप पहुंचे होंगे। तो मेरा सवाल ये था कि सृष्टि का जरूरत क्यों था, लाइक सृष्टि क्यों किया, परमात्मा ने सृष्टि क्यों किया? दैट्स माय क्वेश्चन, द लास्ट क्वेश्चन। जस्ट फॉर प्ले, नथिंग एनी पर्पस, नथिंग। वो खेल है उसका, जस्ट खेल। इसमें रस क्या है? अब फिर प्रश्न तो उपजते हैं, उस खेल में तुम शामिल हो। अच्छा, ठीक है, ठीक। थैंक यू।